गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ 3rd of September 2022। आज की सेशन में जो है हम 3rd September 2020 के इंपॉर्टेंट 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाए, जल्दी से बच्चे जुड़ जाए। चलिए, सो वॉइस एंड एवरीथिंग इज ओके, सो लेट स्टार्ट द सेशन। जो हम सबसे पहला सेशन हम देखने वाले हैं, इट इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। आपको पता है कि जो है श्रीलंका जो है वो भी बहुत भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है ना। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी है, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि श्रीलंका की जो इंपोर्ट जो मैरीटाइम डिटरेंसी जो है वो मैरीटाइम डिटरेंसी खत्म हो चुकी है। आपको पता है श्रीलंका ने जब उसकी इकोनॉमिक बूस्ट जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी अच्छे थे, जब उसके जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा थे, तो उन्होंने आपका चाइना से जो है लोन लिया था फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग द हम्बनटोटा पोर्ट। लेकिन जब पोर्ट का डेवलपमेंट हो गया सडनली जो है बिकॉज ऑफ COVID-19, बिकॉज ऑफ अटैक है ना, और बिकॉज ऑफ इंटरनल जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके कारण से जो है उनकी जो जीडीपी है एकदम मतलब जीडीपी ग्रोथ जो एकदम डिक्लाइन होगी, उनके पास पैसा नहीं था, जिस कारण से वो लोग जो है चाइना को पेमेंट नहीं कर सके। और जो है फिर एट द एंड मोमेंट उन्होंने फिर चाइना को अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया। सबसे बड़ा एडवांटेज मतलब सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि अपने देश की पोर्ट जो होती है किसी अदर कंट्री को आप दे रहे हैं तो आपकी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यही सब चीज को देखते हुए जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसको बेल आउट करना चाहता है, मतलब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीजनरेट करना चाहता है, ठीक है ना। उसके लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने आपका $2.9 बिलियन एज ए बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया। गेटिंग अ पॉइंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने आपका $2.9 बिलियन बेल आउट फंड प्रोवाइड किया है ताकि जो है वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लोग वहां पे लेके आ सके। सो ये आपका न्यूज में है, अब हम आगे देखेंगे। अभी हमें ये समझना है क्या रीजन है जिससे कारण से जो है श्रीलंका जो इट इज ब्रिंग अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या कारण है जिससे कारण से श्रीलंका जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ठीक है ना। अगर ओवरऑल उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो लगभग जो इट विल अकाउंटिंग टू अराउंड $51 बिलियन, कितना $51 बिलियन। लेकिन आपको पता है कि IMF ने जो पैकेज प्रोवाइड किया, जो बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया है वो कितना लगभग जो है $2.9 बिलियन है। अब वो भी जो पैकेज जो IMF जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं वो पैकेज कभी भी डायरेक्टली इंस्टेंटेनियसली नहीं दे जाते, ये लीजिए आप इतना पैकेज आप इस सब जो करना कीजिए, वो स्लो एंड ग्रेजुअल होता है, 4 साल में वो प्रोवाइड किया जाएगा। और IMF जब प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में कुछ कंडीशन होते हैं। सपोज इसने मान के चले कि $0.5 बिलियन प्रोवाइड किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना, ये कुछ कंडीशन है इसको आप फुलफिल करते हैं और हमें जो है कुछ आपके इकोनॉमिक रिवाइवल देखने को मिलेंगे, तब हम बाकी ट्रांजेक्शन हम अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती है, सारी चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है वाई श्रीलंका इज ब्रिंग अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस, कौन से फैक्टर है जिसके कारण से जो है श्रीलंका आज भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में उससे उभर नहीं पा रही है। तो सबसे पहला क्राइसिस से कारण देखेंगे, आपको याद होगा 2019 की बात है, ईस्टर्न बॉम ब्लास्ट, ठीक है ना, ईस्टर्न बॉम ब्लास्ट इन अप्रैल 2019 इन चर्च इन कोलंबो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी जो अडॉप्ट किए गए वो पॉलिसी इस प्रकार से नहीं है कि श्रीलंका के हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करी है फार्मर को। अब इंडिया के केसेस में भी देखिए, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है वो सही है क्या? एक अगर एग्रीकल्चरल प्लॉट की बात करें तो वहां पे अगर आपको जो है सपोज मान के चलिए कि 500 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत है, तो वो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो फार्मर क्या करता है 500 लीटर की जगह उसे जो है 900 लीटर सप्लाई करते हैं। मतलब आपको वाटर लॉसेस भी हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल भी डिप्लीट हो रहा है और आप जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्सिडी भी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इट शुड बी अकाउंटेबल इन नेचर, आपको कितना प्रोवाइड करना है कितनी लिमिट है वो सारे सेट होनी चाहिए, जो इंडिया में भी नहीं है, ठीक है ना। वही आप श्रीलंका में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो पॉलिसीज आपके जीडीपी ग्रोथ के लिए नहीं थी, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करी, सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, COVID-19। तो COVID-19 के समय जो उनका जो एक्सपोर्ट जो है टी का, रबर का, स्पाइसेस, गारमेंट एंड द टूरिज्म सेक्टर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो गया था। अब इंडिया के केसेस में देखिए, अगर आप ओवरऑल जो है टूरिज्म सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग जो है 9.4 से लेकर 9.8% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आपका टूरिज्म सेक्टर से आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे
IMF पैकेज के बारे में, तो IMF ने जो आपका बेल आउट पैकेज दिया 2.9 बिलियन डॉलर का, वो किस कंडीशंस के साथ में दिए हैं, वो कब तक एप्लीकेबल है, 4 साल तक एप्लीकेबल है, मतलब 4 साल में धीरे धीरे आपको ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे, बसरते जो IMF ने जो इकोनॉमिक रिवाइवल स्ट्रक्चर्स या इकोनॉमिक रिवाइवल कंडीशंस जो सेट किए उस कंडीशंस को आप फॉलो करें, और कंडीशंस को जो आप फॉलो भी करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ आपको रिवाइवल देखने को मिलने चाहिए। सो आप देख सकते हैं बेनिफिट्स क्या होगा, बेनिफिट्स जो होगा, देखिए मान के चलिए कि जो आपके जो 2.9 बिलियन डॉलर अगर सही तरीके से इम्प्रूव किया जाए, तो सबसे पहला क्या होगा, आपकी जो श्रीलंका की जो बहुत सारी कंपनी है जो है, ठीक है ना, उनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। अब हम देखेंगे कि सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपका IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, 2.5 बिलियन डॉलर पैकेज दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये चाहता है कि श्रीलंका की GDP ग्रोथ हो, ठीक है ना, ग्रोथ हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है ना, फिजिकल कंसोलिडेशन हो, और इनका पहला टारगेट ये है कि कम से कम 2024 तक की बात करें तो जो GDP ग्रोथ रेट जो है वो कितना हो जाए, आपका 2.3% आपका GDP ग्रोथ रेट हो, ये सबको देखते हुए आपका बेलआउट पैकेज प्रोवाइड किया गया है। ओके चलिए अब हम देखेंगे मेजर्स टू इम्प्रूव श्रीलंका इकोनॉमी। अब श्रीलंका की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है तो 2.9 बिलियन आपके पास है बिलियन डॉलर, अब आप कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट कीजिएगा, किस प्रकार से इन्वेस्ट कीजिएगा ताकि आप जो है वहां की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन रेवेन्यू के तौर पे, तो एक टारगेट सेट किया गया, हमने बताया था कि 2021 एक टारगेट सेट किया गया कि 2024 तक की अगर हम बात 25 तक की बात करें तो हमारा 15% ऑफ GDP ग्रोथ रेट होना चाहिए। अभी इतना हमने टारगेट तो सेट कर दिया, लेकिन टारगेट अगर हम सेट कर देते कि 15% GDP ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस क्या होगा, जो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपको बढ़ेगा 12-15% तक, 3% जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, ये फैक्टर है। कंपल्सरी टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर एवरीवन एज 19, जो भी लोग जो है 18 साल से ऊपर है उनका टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि वो किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते तो उनसे जो है गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट कर सके, कोई भी मतलब ये बच ना पाए। उसके बाद देखते हैं कि जो श्रीलंका के अंदर 50 स्टेट ओन्ड कंपनी जो है, स्टेट ओन्ड कंपनी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा नहीं, तो स्टेट ओन्ड कंपनी को धीरे धीरे हमें क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है। उसके बाद आपको रिटायरमेंट एज जो है, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे रिटायरमेंट एज जो है 65 या 62 ईयर्स रखी हुई है, उसको हम घटा के 60 ईयर्स कर देंगे। तो ये सब सारे कुछ मेजर्स हम लेंगे तब जाके हमारा श्रीलंका का क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन में कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो टारगेट है 2025 तक शायद उस टारगेट को अचीव किया जा सके, मतलब 15% जो है 15% GDP आपको देखने को मिल सके, ठीक है ना। IMF क्या सभी को पता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है is an intergovernmental organization that promotes international economic cooperation focusing in particular on policies that have an impact on the exchange rate and balance of payment. So agar aap international monetary fund ki baat karte the, especially aapko dekhiye exchange rate and jo balance of payment ki baat kare, ye sab kiske dwara regulate kiya jata hai, ye regulate kiya jata hai IMF ke dwara. Iski agar ye aapko basically kya karta hai, international economic cooperation promotion karta hai, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज एंड स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखता है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखा, अब हमने कहा था कि जो IMF जो है, इट इज प्रोवाइडिंग 2.9 बिलियन डॉलर्स एज ए बेलआउट पैकेज विद सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन है, दैट कंडीशन हैव टू मैट, वो कंडीशन अगर मैट होते हैं तभी जाके धीरे धीरे ट्रांजेक्शन रिलीज होते हैं, एक ही बार में ट्रांजेक्शन रिलीज नहीं होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं, व्हेन ए कंट्री बोरोस फ्रॉम द IMF, इट्स गवर्नमेंट एग्रीज टू एडजस्ट इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम दैट लेड टू इट्स वीक फाइनेंशियल। जब भी किसी भी देश की बात करें, अगर वो IMF के पास अप्रोच करता है, अप्रोच करने के बाद जो बेलआउट पैकेज की बात करते हैं, तो वहां पे जो है IMF कुछ कंडीशंस रखते हैं, उस कंडीशंस को अगर फुलफिलमेंट किया जाता है तभी IMF कहती है कि हम आपको इतना पैकेज रिलीज करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। सो इसी कंडीशन को देखने के बाद जो बेल आउट, जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, तो उसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्रायर एक्शन की बात करेंगे, प्रायर एक्शन जो है, दीज आर द स्टेप्स व्हेन अ कंट्री एग्रीज टू टेक बिफोर द IMF अप्रूव फाइनेंसिंग। तो जो आप IMF के पास अप्रूव जब जाते हैं और जब उससे पैकेज की बात करते हैं, तो IMF आपको कुछ कंडीशन देते हैं कि आप इस कंडीशन पर वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा हम देखते हैं उसके बाद हम पैकेज। तो प्रायर कंडीशंस IMF सेट करते हैं, प्रायर कंडीशंस को अगर आप अप्रूव करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, तभी IMF आपका पहला ट्रांजेक्शन रिलीज करता है, ऐसे सिर्फ रिलीज नहीं करता है। उसके बाद एक होता है आपका क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये क्या है, स्पेसिफिक मेजरेबल कंडीशंस फॉर IMF लेंडिंग ऑलवेज रिलेट
to macroeconomic variables under the control of the authorities. Such variables include monetary and credit aggregates, international reserves, finance, fiscal balance, and external growth. ये सारी चीजें, ये सारी चीज को जो है आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो मॉनिटरिंग कर मॉनिटर करता है कि आपका मॉनिटरी एंड क्रेडिट एग्रीगेट्स कितने हैं, इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके पास कितने हैं, फिस्कल बैलेंस क्या है, फिस्कल बैलेंस को किस प्रकार से हम कंसोलिडेट कर सके, ठीक है, हम क्या क्या एक्टिविटीज ले ताकि ताकि जो है फिस्कल बैलेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके, फिस्कल सिस्टम को हम कंसोलिडेट कर सके, और एक्सटर्नल बोर्डिंग सारी चीजों को जो है आपका ये मॉनिटर करता है, ठीक है। ये था पहला टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक था। अब हम देखेंगे पुश टू कोर सीरियल्स। सरकार जो है वो अब क्या कर रही है कि कोर सीरियल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। चना दाल मूंग दाल है ना, ये सरगम मिलेट्स, ये सारी चीज आपके किसके अंतर्गत आते हैं, कोर सीरियल्स के अंतर्गत आती है। तो वो सारी चीजों को देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है अब वीट एंड पेडी को छोड़ के जो है कोर सीरियल्स की ओर मूवमेंट कर रही है, इसके लिए क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। सो एक चीज देखिएगा, कंटेस्ट को देखते हैं। रिसेंटली मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्कस द प्रोक्योरमेंट ऑफ खारिफ प्रोड्यूस फॉर 2022। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है दे वांट टू प्रोक्योर खारिफ प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी कंसिडर कर रही है कि हम लोग सबसे ज्यादा किसको प्रमोट करें, कॉर्न सीरियल्स को प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है, कभी ड्रॉट देखने को मिलता है, कभी एक्सेसिव रेन देखने को मिलता है, कभी फ्लड देखने को मिलता है। उसके कारण से अगर हम सिर्फ और सिर्फ वीट एंड पेडी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो क्या होगा, कभी आप देखिएगा पेडी कल्टीवेशन ड्रॉट के कारण नहीं हुआ, कभी एक्सेसिव फ्लड के कारण नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ये जो क्लाइमेट वल्नरेबल जो क्लाइमेटिक फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वीट एंड पेडी कल्टीवेशन की बात करते हैं तो दे आर वेरी मच वल्नरेबल टुवर्ड द क्लाइमेट चेंज, वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है। अगर ड्रॉट आ गया तो नहीं होगा, फ्लड आ गया तो नहीं होगा, है कि नहीं। एक्सेसिव हीट वेव्स हो गया तो जनरेट तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, मतलब जो है अगर हम बात करेंगे वीट एंड पेडी कल्टीवेशन की बात करेंगे तो दे आर हाईली वल्नरेबल टुवर्ड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इसलिए सरकार जो है क्या कोशिश करे, सरकार अभी कोर सीरियल्स को प्रमोट करने की कोशिश करे कि कोर सीरियल जो है वो आपका ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्लाइमेट वेरिएबल से, किस प्रकार से सभी चीजों को हम देखेंगे। इसलिए सरकार आपका क्या चीज पर फोकस कर रही है, प्रोक्योरमेंट टारगेट ऑफ कोर सीरियल्स इज डबल फ्रॉम खरीफ क्रॉप, मोर कोर सीरियल्स लाइकली टू बी सीन इन राशन। अब राशन कार्ड जो आपके पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं वहां पे आपको जो है वीट पेडी के साथ साथ अभी कुछ दिनों के बाद मतलब जो होगा कोर सीरियल्स भी आपको देखना शुरू होगा, तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। कोर सीरियल्स की बात करें दे आर मच न्यूट्रिशियस देन योर वीट एंड पेडी। सो अब कोर सीरियल्स की बात करते हैं, कोर सीरियल्स होते क्या है और ऐसा क्यों सरकार करे, सारे फैक्टर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोर सीरियल्स की बात करेंगे तो कोर सीरियल्स आर ट्रेडिशनली ग्रोन इन रिसोर्स पुअर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द कंट्री। अगर कोर सीरियल्स की बात करें तो देखिए अगर हम बात करें कोर सीरियल्स कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि पुअर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, जहां पे मान के चले कि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, रेनफॉल मॉनसूनल पैटर्न्स नहीं है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे हम सीरियल्स कल्टीवेशन करते हैं। क्यों? ठीक है, जो सीरियल्स कल्टीवेशन है उसे हम लोग ड्राईलैंड फार्मिंग में कंसीडर करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, इसको हम लोग ड्राईलैंड फार्मिंग में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो कोर सीरियल्स की बात करेंगे कि कितना कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे जो है ड्राईलैंड फार्मिंग में कंसीडर किया जाता है, ड्राईलैंड फार्मिंग में जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कोर सीरियल्स एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोर सीरियल्स को देखने चाहते हैं तो कोर सीरियल्स में क्या क्या आएंगे, सोरगम आएंगे, पियर्स मिलेट आएंगे, मेज आएंगे, बर्ले आएंगे, फिंगर मिलेट्स आएंगे, सेवरल स्मॉल मिलेट्स सच एज कोडू मिलेट, ये सब कर्नाटक में पाए जाते हैं, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ओर्सो मिलेट एंड बर्नियार्ड मिलेट टुगेदर आर कॉल्ड कोर सीरियल्स। इन सबको मिला के आपको कोर सीरियल कहा जाता है, ठीक है ना। सोरगम, पियर मिलेट, फिंगर मिलेट, मेज एंड स्मॉल मिलेट्स जो है इन सबको क्या कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। बिकॉज अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो इसमें कई ज्यादा मात्रा में आपके न्यूट्रिशियस वैल्यू इसमें पाए जाते हैं। आप ये देखिए, आप इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं, फोटो को देखिए, सारे आपके क्या है, ये सारे आपके कोर सीरियल्स हैं, सारे आपको जो है कोर सीरियल्स है। अगर आप देखिए कोर सीरियल्स का सेवन करते हैं ना तो कोर सीरियल्स में क्या होता है, आपके जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं, प्रोटीन कंटेंट काफी अधिक मात्रा में होता है। अगर आप मान लीजिए वीट एंड पेडी का सेवन करते हैं तो वहां पे आपका कार्ब ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप कोर सीरियल्स में फीड करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन कंटेंट आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम लोग न्यूट्रा सीरियल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, अगर देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, कोर सीरियल्स आर नोन फॉर न्यूट्रिया रिच कंटेंट एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक
ड्रॉट टॉलरेंस फोटो इनसेंसिटिविटी एंड रेजिलेंट टू क्लाइमेट चेंज। देखिए अगर हमने बताया था कि वीट एंड अगर हम सी पर सी वीट एंड पेडी के ऊपर डिपेंडेंट होते तो दे आर वेरी मच वनरेबल टू द क्लाइमेटिक चेंज। अगर ड्रॉट हो गया फेल, फ्लड हो गया फेल, एक्सेसिव रेन हो गया फेल, हीट वेव्स हो गया फेल। लेकिन हम कोर सीरियल्स की बात करते हैं दे आर ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं। ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं मतलब आप उस एरिया में उसको ग्रो कर सकते हैं जहां पे आपका ड्रॉट आने की संभावना नहीं है, मतलब जहां पे आपको पानी आने की संभावना नहीं है, ठीक है। दे आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एरिया, पहला बात, मतलब ड्रॉट टॉलरेंस है, इसलिए इसको ड्राईलैंड फार्मिंग कहा जाता है। फोटो इनसेंसिटिविटी है, रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दे आर नॉट इफेक्टेड बाय मच इफेक्टेड मच बाय द क्लाइमेटिक चेंज, ओके। दिस इस क्रॉप्स की बात करेंगे, क्रॉप जो है इस क्रॉप की अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो काफी अच्छा आपका मार्केट डेवलप होता है, एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप हो सकता है। जैसे अगर हम कॉर्नफ्लेक्स की बात करते हैं तो आपको मिलेट से डेवलपमेंट किया जाता है। इंडिया में जो है कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो मक्का कहते हैं ना, उसे मक्का कहते हैं। मक्का कहाँ पे, मक्का आप जो फोडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फोडर मतलब जो गाय भैंस को दिया जाता है खाने के लिए। लेकिन वही सोचिए कि आपका एक प्रॉपर जो है अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे टोटल आपका प्रेरीज बेल्ट है, प्रेरीज बेल्ट में आपका जो है कॉर्न की खेती की जाती है, सॉरी इसकी खेती की जाती है, उसका प्रोसेसिंग करके कॉर्नफ्लेक्स, अरे वही आज हम कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं जो 10 रुपए का जो होगा 20 रुपए का कौन से हम 100 रुपए में खरीद के खा रहे हैं। तो हमारे पास अगर देखिए अगर हम अपनी इंडस्ट्री को, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और कोर सीरियल्स को मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें, जो ग्राउंड वाटर टेबल जो डिप्लीट हो रहा है उसे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन है, ड्रॉट प्रोन रीजन, वहां पे लोग खेती नहीं करते हैं, वहां पे अगर अवेयरनेस फैलाते हैं हम लोग की ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करते हैं उसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। सरकार जो अगर एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अच्छा खासा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको प्रोवाइड कर रही है उसमें, तो लोग ये भी ग्रो करेंगे। तो अल्टीमेटली आप जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड इंश्योर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम हिडन हंगर की बात करते हैं। हिडन हंगर का मतलब होता है जो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डेफिशिएंसी, अगर किसी डेफिशिएंसी से हम सफर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं। उस हिडन हंगर को भी हम जो है अगर पीडीएस सिस्टम में अगर हम कोर सीरियल्स को लेकर उस हिडन हंगर को रिमूव कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को रिमूव कर सकते हैं, तो सोचिए कितना बेनिफिट है। ड्रॉट टॉलरेंस है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, वेरी मच इकोनॉमिकली नेचर है, न्यूट्रिशियस है, माल न्यूट्रिशन को आप रिमूव कर सकते हैं, हिडन हंगर को आप रिमूव कर सकते हैं। तो वाई भी तो हमें क्यों हम कोर सीरियल्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ओके। कोर सीरियल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कर्नाटका, राजस्थान, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोर सीरियल्स होते हैं। यूजेस आप देखिए, हम लोग बात करेंगे कोर सीरियल्स को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इसके यूजेस क्या होगा, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछिए मुझसे, एनी डाउट फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कोई यूजेस की बात करें तो सबसे पहला फोडर के तौर पे बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखेंगे नॉर्थन स्टेट्स की बात करेंगे, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेट्स हम लोग ग्रो करते हैं, लेकिन जो मिलेट्स ग्रो किया जाता है ना वो खुद की कंजम्पशन के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, जबकि आपको पता है हाई न्यूट्रिशियस ना, उसका प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है उसको, बल्कि हम लोग किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फोडर पर्पज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको फोडर पर्पज के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप जो है आप सरकार उस पर एमएसपी भी प्रोवाइड करेंगे, उसका प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि जो अमेरिका में प्रेरिज बेल्ट है वहां पे मिलेट की खेती की जाती है, मिलेट की खेती मतलब जो कॉर्नस होते हैं, ठीक है ना, जो कॉर्नफ्लेक्स जो बनते हैं, ठीक है ना, उनकी खेती की जाती है और फिर उसको प्रोसेसिंग करके कॉर्नफ्लेक्स बनाया जाता है, काफी बड़ा इंडस्ट्री है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जैसे अगर हम सोरगम की बात करते हैं जो कॉर्न सीरियल है, इसका प्रयोग माल्टिंग के लिए किया जाता है, हाई फ्रुक्टोज सिरप, स्टार्च, जेलियन बेकरी के लिए इसका सोरगम का प्रयोग जो इन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। पीएल मिलेट की बात करेंगे, यूज इन ब्रूइंग एंड माल्टिंग, स्टार्च, बेकरी, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मेज की बात करेंगे तो ये भी आपका यूज इन ब्रूइंग, स्टार्च, बेकरी, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड के लिए। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे जो मिलेट जो है जो इतने हाईली न्यूट्रिशियस है उसको हम लोग जो है एज ए फीड फॉर एनिमल फार्म इंडस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए फोडर के तौर पर हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोर्स ऑफ फीड, डिमांड ऑफ कोर सीरियल्स, द डिमांड ऑफ कोर सीरियल्स फॉर एनिमल एंड पोल्ट्री फार्म इज ऑन द राइज इन इंडिया, फीड रिक्वायरमेंट्स आर मेट फ्रॉम द वेस्ट फूड ग्रेन्स इन जनरल एंड मेड स्पेशली फॉर कोर सीरियल्स। देखिए जो कोर सीरियल्स की बात करें तो कोर सीरियल्स के हम लोग खेती करते हैं, और खेती का कारण क्या, खेती का ये है इट इज बीइंग यूज्ड एज़ अ फीड टू द एनिमल फार्म में जो फोडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना इसके। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं, इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप इसको एनिमल फार्म में इस्तेमाल कीजिए, नॉट एन इशू, कीजिए एनिमल फार्म में, लेकिन इसका आप जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कीजिए ताकि आप इसे एक्सपोर्ट कर सकें, इसे आप प्रमोट ड्राईलैंड फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, इसे आप पीडीएस सिस्टम में, इसे आप ये
इसको देखने की कोशिश कीजिए कि दे आर मच मोर न्यूट्रिशियस देन योर स्टेपल फूड व्हाट यू आर टेकिंग। जो हम वीट एंड पेडी की बात करते हैं ठीक है ना, उससे काफी ज्यादा जो है आपका न्यूट्रिशियस है, काफी ज्यादा जो है न्यूट्रिशियस है। ओके 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 चलिए। अब why government is shifting focus on the courses? अब सरकार जो है suddenly why it is more oriented towards the courses? तो पहला चीज climate change। अब देखिए climate change में जो है because climate change के कारण क्या हो रहा है? Climate change के कारण आपको देखने को मिला drought देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। It is also affecting the cultivation of wheat and paddy। Excessive rain के कारण flood हो जा रहा है, excessive rain, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं excessive rain के साथ आप heat waves की बात कर रहे हैं, आप जो है हीट वेव्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सब सारे फैक्टर जो है, ये सारे फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर द आउटकम ऑफ व्हाट, दीज आर द आउटकम्स ऑफ योर क्लाइमेटिक चेंज। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, इधर द क्रॉप्स आर बीइंग टोटली डिस्ट्रॉयड, एक सीजनल क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, और द प्रोडक्टिविटी या यील्ड की बात करते हैं तो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। पहला पॉइंट। मानसून की बात करेंगे तो मानसून की अगर बात करेंगे तो नाउ इट हैज बिकम ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू प्रेडिक्ट द मानसून। पहले हम प्रेडिक्ट कर पाते थे लेकिन अब आप देख रहे हैं मानसून की बात करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तीसरा सस्टेनेबल क्रॉप की बात करेंगे, सस्टेनेबल क्रॉप की मतलब है सस्टेनेबल क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो सस्टेनेबल क्रॉप पे क्या होता है, देखिए अगर आप वीट की खेती करते हैं, पेडी की खेती करते हैं, ठीक है, ड्रॉट हो गया या फिर हाईली इंटेंसिव रेन हो गया तो दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। लेकिन सस्टेनेबल क्रॉप की बात करते हैं, इफ यू वांट टू फोकस ऑन द कोर सीजन्स की बात करते हैं एंड डेट टू इन द कहां पे ड्राईलैंड फार्मिंग के तौर पे, जहां आपकी ऑलरेडी जो है बारिश कम होता है, तो ये आपके सस्टेनेबल क्रॉप है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी रहेंगे हाली, और साथ साथ में क्या दिया था न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट ऑल्सो, लो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इसलिए क्योंकि देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग में आता है, ये क्या होता है आपके ड्राईलैंड फार्मिंग में आता है। और जब ड्राईलैंड फार्मिंग की हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपका लेस वाटर, उतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या आपका लेस वाटर रिक्वायरमेंट है। ओके चलिए ठीक है, सेकंड पॉइंट ड्राईलैंड फार्मिंग में देखेंगे लेस वाटर रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स एंड आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स प्लस फर्टिलाइजर, ठीक है ना। यहां तक कि उतनी ज्यादा मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है। इन सब के कारण क्या होता है कल्टिक जो अगर हम बात करें, सो लो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, इट इज वेरी मच इकोनॉमिकल टू ग्रो, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए एक टारगेट है आपके पास, इंक्रीज कोर सीरियल प्रोडक्शन। अगर कोर सीरियल की बात करें, कोर सीरियल हैव शोन 17.63 मिलियन हेक्टर्स इन 2022 एज अगेंस्ट 16.93 मिलियन हेक्टर्स 2021। अगर 2021 की बात करेंगे कितना आपका 16.93 मिलियन हेक्टर्स जो है आपका यूटिलाइज किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोर सीरियल्स, लेकिन 2022 में देखेंगे 2022 में आपका जो इंक्रीज हो कितना हो गया 17.63 मिलियन हेक्टर्स आपका इंक्रीज हो गया। अबाउट 50 मिलियन हेक्टर्स ऑफ कोर सीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एट प्रेजेंट, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर अधिक मात्रा में बात करें तो मेन मिलेट जो है दे आर ग्रोन द मोस्ट। अब ये दूसरा टॉपिक हो गया, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, मॉक्सी के बारे में डिस्कशन करने वाले। व्हाट इज मॉक्सी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉक्सी जो है, मॉक्सी क्या है इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। देख सकते हैं आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस विद मॉक्सी, यहां पे देखने की कोशिश कीजिए कि आपका एस्ट्रोनॉट है और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब अब हम देख सकते हैं कि मॉक्सी के द्वारा हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका, मॉक्सी के द्वारा हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मॉक्सी को डिस्कस करते हैं। देखिए अभी मॉक्सी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा मेरे साथ। मॉक्सी ऑक्सीजन मार्स, मतलब जो है हम मार्स पे ऑक्सीजन का जेनेसिस कर सकते हैं। मार्स को हम लोग धीरे धीरे हैबिटेबल प्लांट्स
सॉरी हैबिटेबल प्लैनेट्स को हैबिटेबल प्लैनेट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। और हैबिटेबल प्लैनेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ऑक्सीजन सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि मार्स पे आपका मीथेन गैस पाया गया, मीथेन मतलब CH4, मतलब कार्बन है हाइड्रोजन है, कहीं ना कहीं हम लोग ऑक्सीजन के ट्रेसेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन साथ साथ में हम लोगों ने कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स डेवलपमेंट किया जिस इक्विपमेंट्स के द्वारा मार्स में जो है हम लोग कार्बन हम लोग जो ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हैं। इसी इक्विपमेंट का नाम क्या है, मॉक्सी है। फिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या है मॉक्सी का फुल फॉर्म, मॉक्सी का फुल फॉर्म की बात करेंगे, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट has produced the first instance of the utilization of resources in a planet's atmosphere to meet humanity. So, आप देख सकते हैं कि मॉक्सी इक्विपमेंट के द्वारा हम जो है मार्स पे भी ऑक्सीजन का डेवलपमेंट कर पाएंगे। सोचिए अगर मार्स में ऑक्सीजन का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, एटलीस्ट क्या होगा, हमारे जो एस्ट्रोनॉट वहां पे जाएंगे, ठीक है ना, जाके रिसर्च करने के, एटलीस्ट दे विल हैव द ऑक्सीजन, ठीक है। नो डाउट ऑक्सीजन से लेके जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट, ठीक है ना। आप देखिए इसका एडवांटेज के तौर पर हम बात करेंगे। सो बट मॉक्सी किस प्रकार से काम करते थे कि हमें जो है उतना टेक्निकल डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, बस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछा जाएगा रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉक्सी। सो मॉक्सी इट वाज सेंट बाय नासा ऑन द परसीवेरेंस एंड मेड बाय द MIT, MIT आपको पता है, इट इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब MIT की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑन द अदर एंड आप जो है MIT की बात करते हैं, MIT हमारा जो सपना हुआ करता था, सम ऑफ माय सीनियर जो है MIT से पढ़े हैं, ये टेक्निकल चीजों में काफी अच्छा है। तो आपको पता है कि जो परसिवरेंस मिशन जो भेजा गया था, परसिवरेंस मिशन के साथ में जो है मॉक्सी आपका भेजा गया था ताकि मॉक्सी पे रिसर्च किया जा सके, मॉक्सी जो है whether it is able to produce oxygen or not, और वो आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मॉक्सी इक्विपमेंट की बात करिए किसके द्वारा बनाया गया था, MIT के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ पे होता किस तरीके से है, इट वर्क लाइक ए ट्री, गाछ के जैसा काम करता है। गाछ क्या करता है, इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड रिलीजेस ऑक्सीजन जब बाय प्रोडक्ट, है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इट्स वर्क एज इट इज, दैट मींस इट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज रिलीजिंग ऑक्सीजन। सो इट वर्क्स लाइक ए ट्री, स्प्लिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस प्योर ऑक्सीजन। द एस्टीमेट प्रोड्यूस 6 grams ऑफ ऑक्सीजन पर आवर, कितना, 6 grams ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रति घंटा प्रोड्यूस करता है। वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग में देख सकते हैं, इनसाइड मॉक्सी में फोटो दिखाऊंगा, इनसाइड मॉक्सी मार्शियन एयर इज फर्स्ट फिल्टर इन एंड प्रेशर, मार्शियन जो एटमॉस्फेयर उसमें पड़ता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट उसका क्या होगा फिल्टरेशन किया जाएगा, फिल्टरेशन करने का उसको प्रेशराइज किया जाएगा, तब जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो होगा वो कंसेंट्रेट होगा, अब वो जो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में जाएगा तब आपका क्या होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है ना। इनसाइड मॉक्सी मार्शियन एटमॉस्फेयर इज फर्स्ट फिल्टर इन प्रेशराइज, इट इज देन सेंट थ्रू द सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर शॉक विच इलेक्ट्रोकेमिकली स्प्लिट द कार्बन रिच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका स्प्लिटिंग होगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड जो मार्शियन एटमॉस्फेयर में काफी थीन अमाउंट है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, इसको कंसंट्रेट किया जाता है। जब कंसंट्रेट करने के बाद आपको जो सॉलिड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू पास किया जाता है, तभी आपको क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन को आइसोलेट किया जाता है, द ऑक्सीजन आयन्स आर आइसोलेटेड एंड रिकॉम्बाइंड टू फॉर्म ब्रीदेबल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या है इसका। अब देखिए अगर हम जो है मॉक्सी के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं मार्स पे, तो आने वाले समय में क्या होगा, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, एटलीस्ट दे विल बी गेटिंग ऑक्सीजन, उनको जो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, और वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या फिर जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल की बात करते हैं, किसी भी लॉन्चिंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, वहां पे हमें जो है फ्यूल के साथ में जो ऑक्सीडाइजर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर पे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे जैसे अगर आप जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर निकलते हैं, ठीक है, जहां आपका ऑक्सीजन काफी थिन हो जाता है, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पता होगा हम जो है प्रोपेलेंट कहते हैं, प्रोपेलेंट मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, तो अगर हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को प्रेशराइज करके उसका ऑक्सीडाइजर के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो एस्ट्रोनॉट वापस आ सके। एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की हम बात करें, किसके बात करें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये MIT के द्वारा जो MIT के द्वारा ये तैयार किया हुआ आपका मॉक्सी इक्विपमेंट है, ठीक है ना, MIT के द्वारा मॉक्सी इक्विपमेंट प्रिपेयर्ड बाय MIT, prepared by
एमआई के, ठीक है ओके। तो अब हम देखेंगे सिविल सर्विस एंड डिजिटल लिटरेसी, ओके क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर? तो आप देख सकते हैं कि नाउ गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं, देखिए सपोज कोविड के बाद सारा सीनरी चेंज होता है, नाउ वी आर इन डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है ना। हम किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मेटावर्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देखिएगा, लेकिन अब क्या होता है कि जो हमें सिविल सर्वेंट्स की बात करें, ठीक है ना, या गवर्नमेंट ऑफिसियल्स की बात करें, कुछ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं, ठीक है, देर आर वेरी मच स्टूडियस, लेकिन उनको डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में अगर आप चीजों को फास्टर इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन चाहते हैं, ठीक है ना, और चीजों को और बेहतरीन तौर पर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास जो डिजिटल लिटरेसी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूटिलाइज ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर मान के चलिए कि आप बींग ए कलेक्टर है, ठीक है ना, और आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉनिटर करना चाहिए, यू शुड नो कि आप लैपटॉप पे बैठ के जो है ड्रोन के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर कर सके, फ्लड एरिया को मॉनिटर कर सके, किसी प्रकार का डिजास्टर हुआ है उसे आप मॉनिटर कर सके। तो एटलीस्ट यू शुड बी, आपके पास जो डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए ताकि तभी आप चीजों को मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए, ठीक है, दे आर वेरी मच गुड एट एजुकेशन, लेकिन आप लेकिन समवट जो है उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं, उनके अंदर में जो डिजिटल लिटरेसी नहीं, इसी को देखते हुए जो आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस एंड डिजिटल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट इट हैज पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द पर्पस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग टू द सिविल सर्वेंट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने आपका पार्टनरशिप किया किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि जो है जो हमारे सिविल सर्वेंट है उसके अंदर में कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, उनके अंदर में डिजिटल लिटरेसी को एनहेंस किया जाए, ताकि जो डिजिटल लिटरेट इनाफ हो जाए, ताकि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी, मेटावर्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, सारे जो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को सही तौर पर यूटिलाइज कर सके फॉर द पर्पज ऑफ एनहेंसिंग देयर गवर्नेंस, ठीक है। सो द पार्टनरशिप अंडर द प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल प्रोडक्टिविटी स्किल aim to enhance the functional computer literacy of nearly 2.5, मतलब 2.5 मतलब हो गया 25 लाख जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको जो आपको ट्रेन करना है। अरे प्रोजेक्ट जो है मिशन कर्मयोगी के तहत है, किसके तहत है, मिशन कर्मयोगी के तहत है। सो डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो आपको पता है कि आज की डेट की अगर डिजिटल लिटरेसी क्या है, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो आपके अंदर में इतना स्किल्स होना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, मेटावर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि हमारे जो सिविल सर्वेंट जो है, ठीक है ना, वो जो है दे आर वेरी मच कंसर्न टू द पेपर वर्क, ठीक है ना, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को उतना प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। आज की डेट की बात करें तो आज की डेट जो है आपको पता है कि डिजिटल मीडिया के बिना आप स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन आज से अगर 15 साल पहले चले जाइएगा तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो उन लोगों के लिए ये इंपेरेटिव हो चुका है कि हम उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको पार्टनरशिप किया है ताकि उन्हें हम जो है डिजिटली लिटरेट बना सकें, ठीक है ना। पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड एफिशिएंट इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। अगर मान के चलिए कि अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे, तो पहले जो बोगस कार्ड हुआ करते थे, पहले सही टाइम पे जो आपकी सब्सिडीज वगैरह अकाउंट पे नहीं डिलीवर होते थे, अब आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण जो है आपके जो सभी के अकाउंट पे सब्सिडी सही टाइम पे क्रेडिट हो जाती है, ओल्ड एज पेंशन भी सही टाइम पे क्रेडिट हो जाती है। तो जितना हम खुद को डिजिटलाइज करने की कोशिश करते हैं उतना जो बोगस कार्ड या फेक अकाउंट होते हैं सारे हम इलिमिनेट कर जाते हैं, तो आपका गवर्नेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ब्रिजिंग द कॉम्पिटेंसी गैप, कॉम्पिटेंसी गैप मतलब अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे देन यू विल बी मोर एफिशिएंट, है ना। जो कॉम्पिटेंसी गैप जो एग्जिस्ट कर रहा है कि आप जो है सही तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पा रहे, इस ट्रेनिंग के दौरान जो है, देखिए ट्रेनिंग तो आपको पता है, आप इंजीनियरिंग तो करना नहीं, जस्ट आपको बेसिक चीजें पता हो चाहे आप इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फायदा क्या होगा, व्हाट कॉम्पिटेंसीज विल द सिविल सर्वेंट ऑफ द फ्यूचर नीड, क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए सिविल सर्वेंट की। जैसे पहला, यूनिफाइंग फ्रेमवर्क अक्रॉस वेरियस सेक्टर। अगर मान के चलिए सबसे पहला चीज जो है, अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, डिफरेंट सेक्टर्स को जो है सही तरीका से लेके चलें, तो आपको आपके अंदर में ये नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि आप जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे आपको जो है जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें, अटेंडेंस की बात करें, फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें 8th, 9th, 10th स्कूल में, वो आपको जानना है। तो अब आप किस तरीके से कीजिएगा, अब आप क्या कीजिएगा, आप जो है ऑनलाइन एमएक्स एक्सेल वर्ड क्रिएट, एक एग्जांपल ऑनलाइन एक एमएक्स एक्सेल वर्ड शीट क्रिएट कीजिएगा,
और जितनी भी स्कूल्स हैं ठीक है ना, उनकी जो अटेंडेंस सीट होती है वो मैंडेटरी हो जाए, अटेंडेंस सीट वो कहाँ फिल करें, वो सारे अटेंडेंस सीट फिलअप कहाँ करें उसमें करें, ठीक है ना, मतलब एमएक्स एसएल सीट में करें। तो आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे, मान लीजिए 30 से 40 स्कूल होंगे, रोज का रोज जो है जो उसको अगर सही तरीके से आप सेटिंग कर दीजिए तो फीमेल परसेंटेज अटेंडेंस आपको रोज को पता चल जाएगा, आज अटेंडेंस 60% है, कल 60 है, कल 71 है, परसों 72 है, तो आप ट्रैक कर पाइएगा। नहीं तो आपको इंडिविजुअल स्कूल में जाकर विजिट करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, रोज को रोज डाटा अपडेट हुआ, आपने सीट खोला, सीट खोल के देख लिया अटेंडेंस परफेक्ट चल रहा है। ये फायदा होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ठीक है, चीजों को मॉनिटरिंग आप आसान से, स्केलिंग ऑफ डिजिटल सोल्यूशन, उसके आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय चांस की बात आपने देखा कि स्कूल के ड्रॉपआउट रिस्यू बढ़ रहे हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, वहां से सजेशन लिख के भेज दीजिएगा, ये सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, सारे लोग सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ब्रिजिंग कॉपरेशन के ऑब्वियस बात है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन, किसी को कुछ डाउट है, एनी डाउट फ्रेंड्स बताइए, एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग लिख के मुझे बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना, डिस्कस हाउ डिजिटल लिटरेसी कम, डिस्कस हाउ डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, डिस्कस हाउ डिजिटल लिटरेसी कैंपेन helps in enhancing the government, helps in enhancing governance, helps in enhancing governance, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से अगर डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो डिजिटल लिटरेसी के इंट्रोडक्शन से जो है, अगर गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस जो आपका एनहेंस हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोर्स सीरियल, काफी सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोर्स सीरियल एक्सप्लेन हाउ कोर्स सीरियल will help in fighting food insecurity caused by climate change, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन दिया हूँ, काफी ज्यादा देखिए टफ क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हाउ डिजिटल लिटरेसी कैंपेन हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज, और जो भी बच्चे लिखे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप है 8380390007, आप जो आंसर लिख के मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका आंसर रिव्यू हो जाएगा। आपको पता है आंसर राइटिंग की बात करें, बच्चे आंसर राइटिंग करते तो हैं लेकिन उसका आंसर राइटिंग जो है रिव्यू नहीं हो पाता, आंसर राइटिंग जो है रिव्यू नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग कीजिएगा आप मुझे पर्सनली, अगर आप चाहें तो जो बच्चे द्रोणा ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, अगर द्रोणा ग्रुप पे जो बच्चे अटैच नहीं है वो यहाँ पे कहाँ पे, वो यहाँ पे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे जो है आप जो है मुझे टैग कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे देखना चाहते हैं। किसी को कुछ डाउट है, एनी डाउट फ्रेंड्स, एनी डाउट बताइए, जल्दी से बताएं मुझे, एनी डाउट। सो याद रखिएगा, दो क्वेश्चन है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है क्वेश्चन लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक, फिर हमारी मुलाकात करोगे, तब तक जय हिंद जय भारत।